हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सुबह हो गई है, मैं नहा कर रेडी हो गई हूँ। आज है रामनवमी, तो मैंने रामनवमी के शुभ अवसर पे लड्डू गोपाल के और राधा रानी के लिए क्या मंगाया है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत है, मैंने ऑर्डर करके बनवाया है। आप लोग देखिए, आप लोगों को कैसा लगता है वो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने राधा रानी और लड्डू गोपाल के लिए आसन बनवाया है। बहुत ही खूबसूरत सा ये आसन है। मैं इसे क्लीन कर देती हूँ अच्छे से, और उसके बाद मैं इस पे राधा रानी और लड्डू गोपाल को बैठाऊँगी। तो यहाँ पे मैं राधा रानी और लड्डू गोपाल को जगा रही हूँ। जगाने के बाद मैं इन्हें दूध का भोग लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने दूध का भोग लगा दिया, और अब मैं पट बंद कर देती हूँ। और ये भोग लग गया है, अब जो है मैं अचमन कर लेती हूँ। अचमन करने के बाद मैं राधा रानी और लड्डू गोपाल को स्नान कराऊंगी, श्रृंगार करूंगी। और मैंने स्नान करा दिया है, अब जो है सिंहासन में ऊपर रख देती हूँ और इस पे एक आसन में रख दूंगी। और अब मैं राधा रानी और लड्डू गोपाल को यहाँ पे विराजमान कर देती हूँ। ये देखिए, मैंने विराजमान करा दिया, और ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं राधा रानी और लड्डू गोपाल। और हाँ, आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप लोगों ने किस तरह से रामनवमी मनाया वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि राधा रानी और लड्डू गोपाल मेरे कैसे लग रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी पूजा हो गई है। ये देखिए मेरा पूरा मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। और अब मैं जाऊंगी किचन में भोजन बनाने राधा रानी और लड्डू गोपाल के लिए। दोस्तों, यहाँ पे मैंने भोग लगा दिया है। यहाँ पे मैंने लगाया है रोटी, चना, गुड़ और दूध और मिठाई। ये मैंने भोग लगा दिया है, अब मैंने अचमन भी कर लिया है। अब जो है हम लोग जा रहे हैं प्रसाद पाने। तो दोस्तों, दोपहर हो गई है, मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ खाना दोपहर का। तो खाने में मैं बना रही हूँ राइस मंचूरियन। तो उसके लिए मैंने चावल पहले से बना रखा है, और अब मैं जा रही हूँ मंचूरियन को फ्राई करने। तो यहाँ पे मैंने गोभी ले लिया है, उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, नमक और मैदा। इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। इसका हमें थिक बैटर तैयार करना है। और यहाँ पर मैंने तेल भी रख रखा है, उसे हम गर्म कर लेंगे जब मैं ये डो प्रिपेयर कर लूँगी उसके बाद। तो ये देखिए, मैंने डो प्रिपेयर कर लिया है, अब मैं इसे छान लेती हूँ। कितना ठीक है आप देख सकते हैं। तो इसे मैं अच्छे से छान लूँगी क्रिस्पी होने तक, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे हमें छानना है। तो ये देखिए, सारा मंचूरियन मैंने डाल दिया है, और इसे हम अच्छे से छान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मंचूरियन जो है ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। तो मैंने दूसरे साइड जो है पैन चढ़ा दिया, उसमें डाला है तेल, और इसमें डालेंगे प्याज, और इसे हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। तो
दोस्तों मंचूरियन जो है फ्राई हो गया है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और इसी कढ़ाई में मैं डालूंगी बीन्स और इसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। बीन्स को फ्राई होने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने कढ़ाई में इसे फ्राई कर लिया है। और यहाँ पे जो है प्याज मेरा फ्राई हो गया है, तो इसमें मैं डाल देती हूँ शिमला मिर्च और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे बीन्स जो है रेडी हो गया है, पक गया है, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ और दूसरे पैन में इसे मैं डाल देती हूँ और उसी में अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। अब इसमें जो है चावल डाल देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। नमक भी डाल देते हैं साथ में, और प्याज में भी मैं इसे नमक डाल देती हूँ और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं डाल देती हूँ कैबेज और इसे हम भून लेंगे, और साथ ही के साथ चावल भी हमें चलाते रहना है। और यहाँ पे जो है कैबेज भुन गया है, तो इसमें डाल देते हैं जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे। हाँ, इससे पहले हमें इसमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट, मैं भूल गई थी, तो मैं अब इसमें डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और उसे हम थोड़ी देर भून लेंगे। अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे सॉस, टोमेटो सॉस, सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और विनेगर, और इसे हम अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे मंचूरियन, और ध्यान रखें चावल को भी हमें चलाते रहना है। तो यहाँ पे मैं मंचूरियन डाल देती हूँ और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम डाल देते हैं चावल में। और चावल में इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, बहुत ही आराम आराम से हमें मिक्स करना है। चावल जो है हमारा टूटना नहीं चाहिए। और इसके ऊपर हम डाल देते हैं धनिया पत्ता। तो ये देखिए हमारा राइस मंचूरियन जो है रेडी हो गया है। इतना अच्छा लग रहा है, कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। अब मैं जो है खाना निकाल देती हूँ सभी का। तो यहाँ पे हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। ये देखिए हमारा राइस मंचूरियन और ये सुबह का कटहल का सब्जी है जो हमने बनाया था सुबह में, तो बहुत ही टेस्टी बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये शाम हो गई है, तो यहाँ पे शाम को हम लोग राधा रानी और कान्हा जी को झूला झूला रहे हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये झूला झूल रहे हैं, आगे देखिएगा आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अनीसा जो है वो भी झूला झुलाती है, बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। ये देखिए झूला झूला रही है। तो ये देखिए छत पर से मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ और इन सभी को मैं अब फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ किचन में, ये आइसक्रीम लेकर आए हैं, तो मैं आइसक्रीम निकाल रही हूँ सभी के लिए।
दोस्तों रात हो गई है, मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो यहाँ पे मैं जो है आलू फुल की सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी, और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ चाय। तो ये चाय रेडी हो गया है, इसे मैं छान लेती हूँ। और फुल जो है फ्राई हो गया है, तो इसे मैं निकाल लूँगी। उसके बाद मैं करूँगी प्याज फ्राई और मसाला फ्राई, उसके बाद आलू डाल देंगे। तो यहाँ पर सब्ज़ी जो है रेडी हो गया है। और यहाँ पर ये देखिए, सुबह कल इन लोगों को निकलना है निशा को, तो सारा पैकिंग हो गया है। और ये है सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो यहाँ पे मैं अनिशा के लिए वेजिटेबल सूप और एप्पल उसका तैयार कर रही हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले ब्लॉग में एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। बाय बाय, खाते रहते। Thank you.